लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ 2022 में प्रियंका के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली और बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने प्रियंका गांधी के पीए पर गंभीर आरोप चढ़ दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह पर मेरठ के परतापुर थाने में FIR भी दर्ज करवा दी है। अर्चना क्यों संदीप सिंह पर भड़की है, इसका खुलासा उन्होंने अपने फेसबुक लाइव पर किया था, जिसमें उन्होंने संदीप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अभी जैसे मैं ये अधिवेशन चल रहा था, मैं वहां थी, मैं कितने टाइम से मैंने दीदी से अपॉइंटमेंट लिया, मुझे बोला गया कि ठीक है आ जाओ मैं मिलवाता हूँ, फिर एंड टाइम पे ये लोग मना कर देते नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ पानी करके मैं वहां तक पहुंची, दीदी तक पहुंची, दीदी से मैंने बात की, दीदी मैंने आपसे एक साल से मैं टाइम मांग रही हूँ, मेरे को नहीं मिल दिया जा रहा है टाइम, इन्होंने दिया, और वहां पे वो लोग मुझे मतलब आंख दिखा के मुझे चुप कराना चाह रहे हैं। क्यों घटिया इंसान ने, संदीप सिंह ने मुझे बोला है, वहां पे इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, कहता है ज्यादा बोलेगी ना तो थाने में डलवा दूंगा। तो कुछ दिन पहले उनका ये फेसबुक लाइव, जिसमें करीब 10 मिनट के फेसबुक लाइव में अर्चना बहुत कुछ कहती हैं। वो ये पूरी घटना रायपुर में हुई कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान की बताती हैं। वहीं अब उनके पिता की ओर से मेरठ पुलिस को संदीप सिंह के खिलाफ तहरीर दी जाती है, जिसमें संदीप सिंह पर अभद्रता करने, उनके समाज को बुरा भला कहने, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने और धमकाने के आरोप लगाए जाते हैं। नेताओं से तो बहुत बातें हो रही है, मेरी बड़े बड़े नेताओं से बातें हो रही है, और वो आश्वासन दे रहे हैं कि आप जब कहोगे जब हम आ जाएंगे, जहाँ कहोगे वहाँ आएंगे, लेकिन मैं इस मामले में अभी राजनीति तूल नहीं देना चाहता, वरना ये कहेंगे मेरे भारत की जनता, मेरे भारत के लोग उनको ये भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम होता तो हर आदमी कहता है राजनीति कर रहा है। इसीलिए मैंने जब एप्लीकेशन दी थी अपनी बेटी के बारे में और कानूनी कार्रवाई करने, तब भी मैं अकेला गया था, तब भी ये दूसरा आदमी कौन लेके गया था। आज आपके सामने मैं आज भी अकेला हूँ, कल बहुत लोग आए थे। मेरी बेटी को जिस तरह से मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ, कांग्रेस के लोग हैं जो बता रहे हैं कि साहब ये इतना दबंग है, हाँ मुझे अप्रत्यक्ष रूप में वो सामने तो नहीं धमकी दे रहे, लेकिन वो मीठी मीठी नहीं होती, वो जैसे घुमा फिरा के आदमी की ताकत बताई जाती है कि अरे भाई तुम यार बेकार तुम उससे लड़ रहे हो यार, वो पैसे वाला है, ये है, और बड़ी उसकी पहुंच है, बड़ा पकड़ है, प्रियंका दीदी नहीं उसे हटा पा रही है, ये तो ऐसी कहीं ना कहीं मीठी मीठी मुझे धमकियां तो मिल रही हैं, आके मुझसे कह रहे लोग। जान का तो खतरा है ही है भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और मैं बिना जाने खतरे क्यों कह रहा हूँ भाई, वो एक पावर पावर तो है ही है, जो आदमी प्रियंका का पीए है और दबंग है। अर्चना के पिता की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। परतापुर थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 504, 506 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना परतापुर पर कुश्ती अर्चना गौतम के द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संदीप सिंह के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परतापुर पर समस्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें कि 2022 में कांग्रेस के टिकट पर मेरठ के हस्तिनापुर से बिग बॉस फेम अर्चना गौतम चुनाव लड़ी थी, तब उनके बिकनी को लेकर विरोधियों ने खूब टीका टिप्पणी की थी। बिकनी गर्ल के नाम से फेमस अर्चना गौतम हाल ही में बिग बॉस रियलिटी शो से और ज्यादा चर्चा में आई। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, UP तक।